राधे राधे दोस्तों, राधा रानी का दीवाना भला कौन नहीं है। देश के अनेक भागों में तो राधा रानी को कन्हैया से भी ज़्यादा प्रेम दिया जाता है, किंतु राधा जी से जुड़ा ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि क्यों भागवतम जैसे श्री कृष्ण से जुड़े सबसे प्रामाणिक ग्रंथ में भी उनकी श्यामा प्यारी का नाम कहीं भी एक बार भी नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी रहस्य के पीछे का असली कारण। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब राजा परीक्षित को मिले श्राप के फलस्वरूप 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु होने वाली थी। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें भागवतम 7 दिन में सुनाने का फैसला लिया, किंतु इसे सुनाते समय कहीं भी उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि राधा रानी उनके गुरु हैं। वो राधा रानी के साथ उनके तोते के रूप में रहते थे। वो उनके प्रति उनके मन में भक्ति इतनी थी कि एक बार राधा नाम लेने से ही उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती थी, किंतु परीक्षित जी को भागवतम सुनाने के लिए उन्हें केवल 7 दिन मिले थे और कलयुग का आगमन भी होने वाला था, इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम सीधे सीधे नहीं लिया। इसके अलावा दोस्तों, राधा नाम की तुलना कलयुग में मोक्ष के द्वार से की गई है, किंतु ये एक परम परिशुद्ध रहस्य भी है, इसलिए कलयुग के लोभी व अपवित्र आत्माओं से इस परम रहस्य को छुपाने के लिए सीधे तौर पर राधा जी का नाम इसमें नहीं लिया जाता। किंतु यदि कोई परिशुद्ध भक्त देखे तो समझ जाएगा कि पूरे भागवतम में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसमें राधा रानी का जिक्र ना किया गया हो, क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो हमें भागवतम में अनेक बार गोपी, गोपिका, श्री, रमा, सत्या, रुक्मणी, सत्यभामा, श्यामा, किशोरी, कुमारिका जैसे शब्दों का प्रयोग होता हुआ दिखता है। और राधा उपनिषद के अनुसार ये सभी नाम श्री राधा रानी के प्रमुख 28 नामों में शामिल हैं, यानी सीधे राधा नाम का प्रयोग करने के स्थान पर पूरे भागवतम में उन्हीं को अन्य नामों से बुलाया गया है। उन्हीं के अन्य नामों से सुखदेव गोस्वामी जी ने इस भागवतम को सजाया है। जहाँ जहाँ इन नामों का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ राधा रानी का जिक्र अपने आप ही हो गया है। इसके अलावा अपनी भक्ति के कारण सुखदेव जी कई बार अलग अलग तरीकों से अपनी राधा रानी का नाम ले ही लेते हैं, जैसे राधसा, राधह, यानी कि अलग अलग विभक्तियों एवं व्याकरण के फेर बदल के द्वारा मूल रूप से राधा जी का नाम ही लिया गया है। इसके अलावा इसके पीछे का एक कारण ये भी बताया जाता है कि राधा रानी सुखदेव जी के गुरु हैं, वह उन्होंने तोते के रूप में उन्हें कृष्ण कृष्ण रटना सिखा दिया था और साथ ये भी कहा कि वे केवल भागवतम में श्री कृष्ण का ही नाम लें, क्योंकि हो सकता है अगर राधा रानी का नाम आ गया तो श्री कृष्ण का नाम फीका सा पड़ने लग जाएगा। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा को मानते हुए सुखदेव जी ने पूरे भागवतम में श्री कृष्ण की लीला का अत्याधिक गुणगान किया है, उन्हें को परम सत्य के रूप में दिखाया है और अपनी परम गुरु राधा रानी को प्रसन्न किया है। तो दोस्तों, ये थे वो सभी कारण जिनकी वजह से आज भी पूरे भागवतम में हमें भले ही सीधे तौर पर राधा रानी का नाम आता हुआ नहीं दिखता, पर जो नहीं दिखता वो हो भी ना ये सदैव संभव नहीं है, हमें केवल ध्यान से देखने भर की आवश्यकता है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishnamysoulkhushboo और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें, अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।